आज हम मुद्रा और निकट मुद्रा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने मुद्रा के बारे में अध्ययन किया। प्रारंभ में वस्तु विनिमय का बोलबाला था। वस्तु विनिमय की अनेक कठिनाइयों के कारण व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध हो जिससे कि उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके और वह मूल्य के मापक, भविष्य के संचयन और ऋणों के भुगतान के संदर्भ में काम में आ सके। इन सभी आवश्यकताओं की को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हमने मुद्रा की संज्ञा दी। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भविष्य हेतु संचयन, ऋणों के भुगतान, स्थगित भुगतान आदि के संदर्भ में काम में ली जाती है। मुद्रा में केवल हम पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा को ही सम्मिलित करते हैं क्योंकि यह विधिग्राह होते हैं। विधिग्राह का तात्पर्य यह है कि यह सरकार द्वारा घोषित की गई है और इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और इनमें सर्वमान्यता का गुण भी पाया जाता है। किंतु एक देश में साख पत्रों का चलन भी पाया जाता है। साख पत्रों का प्रयोग भी विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है, परंतु साख पत्रों में सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है। सर्वमान्यता का अभाव पाए जाने के कारण कोई व्यक्ति इन्हें ऋणों के भुगतान के संदर्भ में स्वीकार कर ले, यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं, वह व्यक्ति इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। साख पत्र यद्यपि मुद्रा नहीं है तथापि मुद्रा के तुल्य या मुद्रा के समीप होते हैं। साख मुद्रा के अतिरिक्त ऐसी तरल परिसंपत्तियां होती हैं जो मुद्रा ना होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती हैं। उन्हें मुद्रा के रूप में सामान्य स्वीकृति तो प्राप्त नहीं होती, परंतु उन्हें शीघ्र ही मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यह सभी तरल परिसंपत्तियां मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं और आवश्यकता होने पर इन्हें नकद में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। निकट मुद्रा का प्रादुर्भाव पर इन आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुआ क्योंकि व्यक्ति विशेष को, किसी वस्तु विशेष को या मुद्रा को, धातु मुद्रा को और पत्र मुद्रा को लाने ले जाने में असुविधा महसूस होने लगी। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो मुद्रा ना होकर मुद्रा के तुल्य कार्य कर सके। इन सभी शीघ्र ही मुद्रा में परिवर्तनीय परिसंपत्तियों में सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, विनिमय पत्र, बैंकों में सावधि जमाएं, कंपनियों के अंश, इसी प्रकार की तरल परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं। उपयुक्त वर्णित प्रकारों एवं परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साख पत्रों एवं उपरोक्त वर्णित परिसंपत्तियों को मुद्रा न कहा जाकर निकट मुद्रा या नियर मनी कहा जा सकता है। अर्थात निकट मुद्रा में सभी साख पत्रों एवं अन्य प्रकार की सभी परिसंपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तविक रूप में मुद्रा तो नहीं है किंतु उनमें काफी तरलता पाई जाती है। तरलता का आशय यहाँ पर यह है कि जब भी व्यक्ति मुद्रा की आवश्यकता महसूस करे, उन्हें बेचकर, दिखाकर अथवा जिस व्यक्ति को के नाम वह लिखी गई है उसको देकर मुद्रा के रूप में उसे परिवर्तित करवा सकता है। जो वास्तविक रूप में मुद्रा नहीं है किंतु उन्हें तरलता पाई जाती है। इनका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता किंतु इन्हें शीघ्र ही मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और इन पर इनके द्वारा परिवर्तित मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जा सकता है।
इस प्रकार ये मुद्रा तो नहीं होती परंतु लगभग मुद्रा ही होती है। एक प्रकार के परक्राम्य पत्र निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इन्हें किसी भी समय बाजार में बेचकर नकद के रूप में मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त सभी आशयों के आधार पर निकट मुद्रा में हम उन सभी साख पत्रों, परिसंपत्तियों, तरल परिसंपत्तियों, हुंडियों, प्रतिभूतियों को सम्मिलित करते हैं, जिन्हें बाजार में भेजकर बिना किसी असुविधा के नकद मुद्रा में बदला जा सकता है। वे मुद्रा ना होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती हैं, इसलिए उन्हें निकट मुद्रा अथवा मुद्रा का प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूट मनी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने देश में प्रचलित मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाते समय मुद्रा और निकट मुद्रा दोनों को ही सम्मिलित किया जाने के संदर्भ में जोड़ दिया। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोगों की क्रय शक्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास नकद में कितनी मुद्रा उपलब्ध है, अपितु इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास बैंक में कितने जमा पैसे हैं, साथ ही साथ कितने मूल्य की आपके पास परिसंपत्तियां उपलब्ध हैं, जिन्हें आप आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रभाव से नकद में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश किया अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें कि नकद मुद्रा, प्रचलन में प्रचलित नकद मुद्रा, साख पत्र, पराक्रम में बिल या प्रपत्र और ऐसी सभी संपत्तियां या परिसंपत्तियां या प्रतिभूतियां जो कि व्यक्ति विशेष द्वारा तुरंत अथवा आवश्यकता होने पर नकद के रूप में परिवर्तित की जा सकती है, नकद के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इंग्लैंड की रेडक्लिफ कमेटी द्वारा भी इसके संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए गए। रेडक्लिफ समिति के अनुसार व्यय की मात्रा मुद्रा की वर्तमान मात्रा में सीमित नहीं होती, बल्कि वह मुद्रा की उस मात्रा में से संबंधित होती है जो लोग समझते हैं कि वे आय के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचकर अथवा उधार लेकर प्राप्त कर सकते हैं। रेडक्लिफ कमेटी द्वारा दिए गए विचारों के अनुसार मुद्रा का आशय उन सभी प्रचलन में नकद मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के रूप में उस संबंधित मात्रा से भी है जिसको कि लोग आय के रूप में जानते हैं या समझते हैं, और ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियां को भी सम्मिलित किया गया है जिन्हें वह बेचकर उधार लेकर प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे आपके पास परिसंपत्तियां उपलब्ध हो जो तुरंत प्रभाव से आवश्यकता होने पर तरल में परिवर्तित की जा सके, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स और हुंडीज जो आवश्यकता पड़ने पर तरल में परिवर्तित की जा सके, और विभिन्न प्रकार की आपके गोल्ड यानी कि सोने के आभूषण और सोने की विभिन्न वस्तुएं जिन्हें आप तुरंत प्रभाव से मुद्रा में तरल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये सभी निकट मुद्रा का एक रूप है। सारगर्भित रूप में हम यह कह सकते हैं कि निकट मुद्रा से तात्पर्य उन सभी साख पत्रों, उन सभी परिसंपत्तियों, उन सभी पराक्रम्य प्रपत्रों और उन सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों
को सम्मिलित किया जाता जा सकता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बेचकर अथवा मोर्टेज या उधार के रूप में देख लेकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और अपने विभिन्न दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।